इंदौर में एनआईए की पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर कार्रवाई को लेकर कलेक्टर मनीष सिंह का कहना है कि प्रशासन और पुलिस लगातार इन पर नजर बनाए हुए थे। शहर की चूड़ी वाले की घटना में इस संगठन का नाम सामने आया था, जिसके बाद कई लोगों पर पुलिस और प्रशासन सख्त कार्रवाई कर चुके हैं। साथ ही कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि शहरी इलाकों में पीएफआई नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया गया था, लेकिन ये छोटे कस्बों से इस काम को चलाने की कोशिश में लगे थे, जिसके इनपुट के आधार पर एनआईए ने कार्रवाई को अंजाम दिया। इसी मुद्दे पर कलेक्टर मनीष सिंह से एक्सक्लूसिव बातचीत की एमपी न्यूज के संपादक महेंद्र सिंह सोनगिरा ने। पूरे देश भर में एनआईए ने आज यहां पर शिकंजा कसा है, और सीधे तौर पर कहें तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया अब पूरी तरह से धर दबोच दिया गया है। इंदौर जिला प्रशासन की भी लगातार पैनी निगाह थी इनके तमाम कार्यकर्ताओं पर, और टेरर फंडिंग का एक संगीन आरोप भी लगा है पीएफआई पर। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं इंदौर के डीएम कलेक्टर श्री मनीष सिंह जी। सर, पहले भी इनपुट आप तक पहुंचा था, कई बार कार्रवाई भी की गई, किस तरह से इस बड़ी कार्रवाई को आप देखते हैं जिस पर पूरी देश की निगाह है? इंदौर में भी जो एक साल पहले चूड़ी वाली घटना हुई थी, उसमें जब सेंट्रल कोतवाली थाने को घेरा गया था, उसमें काफ़ी युवा वर्ग को ये लोग कुछ मिनटों में इकट्ठा करके लाए थे, और उसमें एसडीपीआई पीएफआई जुड़े हुए जो पदाधिकारीगण हैं उनका देखा गया था, उनको वहाँ उपस्थित देखा गया था, लीड कर रहे थे वो। और जिस प्रकार की गतिविधियाँ इनकी चल रही थी, जो पुलिस की इंटेलिजेंस विंग से जानकारियाँ इनपुट्स आ रहे थे कि युवा वर्ग में एक उत्तेजक सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप में अन्य प्लेटफॉर्म जो हैं सोशल मीडिया के, उनके माध्यम से जहर फैलाना, उनको भड़काना, और बहुत ही चुनिंदा लोग थे ये, बहुत बड़ी संख्या इनके पदाधिकारियों की नहीं थी जो इसमें रजिस्टर्ड हैं एसडीपीआई पीएफआई में, जो इंटेलिजेंस उस समय थी बहुत कम संख्या में थे, किंतु जहर फैलाने के मामले में सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत आगे थे, बहुत फास्ट इनकी वो स्प्रेड थी। 17 साल 18 साल 20 साल के बच्चे जो शिक्षा हेल्थ के लिए जिनको महत्वपूर्ण है कि उसमें ध्यान दिया जाए, उनको इस भड़काने का काम हो रहा था उस समय। और हम लोगों ने काफ़ी सख्त कार्रवाई की थी, सबके जिला बदर सबके विरुद्ध पेश हुए थे, लगातार 3-3 दिन पेशियाँ की गई थी, फिर बाद में उसमें कुछ के जिला बदर भी हुए। एक जैद पठान नाम के व्यक्ति का रासुका रिसेंटली किया गया है, वो भी पीएफआई के साथ मिलकर के इसी तरह की जहरीली बातें सोशल प्लेटफॉर्म्स पर देना। तो जो एक समाज में हिंदू मुस्लिम टाइप के माहौल को बिगाड़ना और देश विरोधी बिंदुओं पर युवाओं को पॉल्यूट करना, एक धर्म विशेष के, वर्ग विशेष के, ये सब काम में लिप्त थे ये, जो मेरे ख्याल से एक बहुत ही आपत्तिजनक था, स्लो पॉइजनिंग की तरह काम कर रहे थे। आज जो एनआईए ने किया है ये वाकई बहुत रिक्वायर्ड था ये, और इससे काफ़ी देश को सुरक्षित रखने में बहुत हेल्प मिलेगी। सर, सिमी के बाद ये सेकंड बड़ा स्टेप है, क्योंकि सिमी का भी बड़ा नेटवर्क मालवा से ही ध्वस्त हुआ था जब सफदर नागौरी गिरफ्तार हुआ था। आप मानते हैं कि ये बड़ा सेकंड अटैक है जिसमें कि पूरी तरह से इनका नेटवर्क ध्वस्त कर दिया जाएगा? हाँ, बिल्कुल करना ही चाहिए। यहाँ पर भी आसपास के जो ज़िले हैं, मुझे ऐसा लगता है जो हम लोग इनपुट्स हैं कि आसपास के ज़िलों में ज़्यादा एक्टिव हैं ये लोग। इंदौर में फिर भी हम लोग काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, इंदौर में उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पाए थे ये लोग, पर बाकी जगह साइलेंटली स्लीपर सेल्स के रूप में भी काफ़ी प्रेजेंस इन लोगों की होती जा रही थी, जिसमें क्या बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव कार्रवाई राष्ट्र की हमारी जो प्रतिष्ठित एजेंसी है उसके द्वारा लिया गया है। क्या मानते हैं इंदौर शांति का टापू है, उसे शांति का टापू बनाए रखने के लिए कौमी एकता सांप्रदायिक सौहार्द का एक मिसाल का टापू माना जाए, इसके लिए क्या जनता से अभी आप अपील करेंगी वो जागरूक रहे? देखिए, जब हम लोगों ने कार्रवाई की थी इनके पदाधिकारियों के ऊपर, तो उस वर्ग विशेष के जो मेजॉरिटी थी वो हम लोगों के साथ थी। सभी का मानना था कि इस तरह की जहरीली बातों से युवा हमारा बिगड़ रहा है, और उस समाज के लोग भी, उस धर्म के लोग भी नहीं चाहते थे कि ये एक्टिव हों ये, और सभी ने हम लोगों को सपोर्ट किया था। जो उस समय वहाँ के जनप्रतिनिधिगण हैं, धर्मगुरु हैं, सभी ने चाहा था कि ऐसी एक्टिविटीज़ को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो इसमें पूरा सख्ती से, यहाँ पर जो शांति का टापू है इंदौर, अगर कुछ भी कहीं भी कोई एक्टिविटी होगी, हम लोगों ने जब से कार्रवाई की थी, फिर जिला बदर रसुका हुए थे, उसके बाद थोड़ा शांति हो गई थी, इनके जो जहरीले मैसेजेस का जो फ्लो था उसके इनपुट्स आना हम लोगों को बंद हो गए थे, किंतु अगर फिर भी कोई प्रयास ऐसा करेगा तो उस पर सबसे सख्त कार्रवाई हम लोग इंदौर में करते हैं, वही की जाएगी। शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं समाज में भय और जहर फैलाने का जो काम तमाम संगठन करते हैं, उनके नापाक मंसूबों को पूरा नहीं होने दिया जाएगा, और जिला प्रशासन की पैनी नज़र या कहा जाए थर्ड आई जो है ऐसे तमाम संगठनों पर है जो कि टेरर फंडिंग में सीधे तौर पर लिप्त पाए जा रहे हैं। फिलहाल एनआईए की बड़ी कार्रवाई का अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे, और सीधी तस्वीरें भी एमपी न्यूज़ पर आप देख पाएंगे। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ महेंद्र सिंह, एमपी न्यूज़ इंदौर।